हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, डेली पीआईबी डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन ये जो पूरी न्यूज़ है वो 15 जून की है 2022 की। आइए जानते हैं हमारे पिटारे में क्या चीज़ें हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है कैबिनेट से। खबर ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑक्शन आईएमटी या 5G स्पेक्ट्रम का। आइए थोड़ा विस्तार से इस जानकारी को समझते हैं। देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव करा ऑक्शन आईएमटी 5G स्पेक्ट्रम मेजर्स का, ताकि जो कॉस्ट है बिजनेस को करने की फॉर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ये कम हो जाए। ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि 5G सर्विसेज देंगे, और 5G सर्विसेज जल्दी आए, करीब 10 गुना ज्यादा फास्ट है ये 4G के कंपैरिजन में। ओवर 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम टू बी ऑक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। दूसरी जो खबर हमारी निकल के आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बिटारे से है। दोस्तों, IBBI ने अमेंड करा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रीवियंस एंड कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर रेगुलेशन 2017 को, और साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन 2017 को। क्या कुछ है जानने में, इसके लिए मैं विस्तार से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर चीज़ों को सही करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रीमलाइन और स्विफ्ट कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रीवियंस एंड कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 को, और साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वही सेम उसको भी, ओके, और इस वाले एक्ट को भी, रेगुलेशन को भी। विस्तार से इन चीज़ों में अगर मैं बताऊँ आपको रिविजन्स में क्या है, रिविजन्स अलग अलग टाइमलीनेस रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट प्रोसेस जो कि प्रोवाइड करा है इन द ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर रेगुलेशन 2017 के तहत। इस तरीके से इसमें कुछ जो है वो चीज़ें होंगी। मैकेनिज्म कंप्लेन ग्रीवियंस रिड्रेसल और सब्सिक्वेंट इन्फोर्समेंट एक्शन का यह है वो अमेंड किया गया है, ताकि एक्सपीडिशन रिड्रेसल हो, और साथ में यहाँ पे अवॉइड हो प्लेस करना अनड्यू बर्डन जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स पे आता है। नेक्स्ट जो हमारा है खबर वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अमेंड करा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेम चीज़ है, ये इसी का ही आगे का है, लेकिन दूसरा ये समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 को भी यहाँ पे इसने अमेंड किया है। नेक्स्ट पिटारे की जो खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो यहाँ मामला ये है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो पृथ्वी 2 है वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 ये कैरी हुआ ऑन जून 15 अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा से। मिसाइल ये एक प्रूवन सिस्टम है, कैपेबल है स्ट्राइक करने के लिए टारगेट्स को एट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन। यूजर की जो ट्रेनिंग लॉन्च हुई सक्सेसफुली हुई, वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशन एंड टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ द मिसाइल। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे निकल के आता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री टू रिकॉग्नाइज इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय अग्निवीर्स एज ट्रेड फॉर ग्रेजुएशन। तो मैंने जैसे आपको अग्निवीर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया, सरकार की नई स्कीम अग्निपथ को लेके, उसमें मैंने सब कुछ कवर करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये बात इसमें रिलॉन्वेंट होगी कि भाई उनको जो 12वीं की जो उनकी डिग्री है वो सारा कुछ ग्रेजुएशन वगैरह का जो चीज़ें हैं ये सब देखेगी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप। जल शक्ति मिनिस्ट्री नेशनल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करेगी ऑन डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को, मतलब आज, अब ये तो कल जो है ये जो एक्ट था उसके चलते जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करेगी नेशनल वर्कशॉप को ऑन डैम सेफ्टी एक्ट। तो एक्चुअली में तो ये मुझे 15 तारीख को बनाया चाहिए था, लेकिन 16 तारीख है, तो मतलब आज के दिन ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारी खबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से लेके है। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट करा ESIC हॉस्पिटल को इन अंगुल, जो कि सब रीजनल ऑफिस है इन दी झारसुगुड़ा में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूली डेवलप्ड अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है टू आइसोलेटेड प्रोटीन फिल्म का। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूली डेवलप अल्ट्रा थिन
हेटरोप्रोटीन फिल्म बेटर ऑल्टरनेटिव टू आइसोलेटेड प्रोटीन फिल्म। तो हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने डेवलप करा एक अल्ट्रा थिन हेटरोप्रोटीन फिल्म को विद एक्सीलेंट थर्मल मैकेनिकल और पीएच स्टेबिलिटी के साथ में, जो एक बहुत बढ़िया तरीका होगा एक्सप्लेन करने के लिए एप्लीकेशन थिन फिल्म्स का इन बायोमेडिकल और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। देखिए ये सारी फिल्म्स बहुत ज़्यादा थिन होंगी कंपेयर अगर करें दूसरे प्रोटीन या प्लास्टिक फिल्म से, तो और ये सॉफ्ट और थिन है, साथ में इनके जो है एडवांटेज भी है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने का दूसरी फिल्म के कंपेरिजन में। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से खबर है। खबर यह है कि मिनरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है 7.8% से अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन की तरफ से है। ये कहती है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जल्द ही लॉन्च करेगा आल्ट द बेनिफिट ऑफ पेंशनर्स एंड एल्डर सिटीजन शिपियल इंटेलिजेंसिया, है ना, ये आपका जो आर्टिफिशियल एजेंसिया है ना, सिटीजनशियल इंटेलिजेंसिया इनेबल्ड कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल फॉर, ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा कहना है AI सपोर्टेड जो पोर्टल है ये एक ऑटोमेटिक अलर्ट भेजेगा पेंशनर्स को और सुपर एनुएटेड एल्डर सिटीजन्स को, ताकि कंप्लीट ईज ऑफ लिविंग हो जाए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं। मिनिस्ट्री ने इंटरेक्ट करा बेनिफिशरीज के साथ में और भविष्य जो कि एक पोर्टल है फॉर पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, करीब 1,62,000 केसेस को प्रोसेस किया गया, इसका मतलब PPOs को इशू करा गया, जो जिसके अंदर मोर देन 96,000 जो EPPOs हैं वो थ्रू भविष्य हुएंगे टिल डेट, ऐसा जितेंद्र सिंह का कहना है। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से खबर है कि स्टील मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा पहला 6-लेन हाईवे रोड जो कि स्टील स्लैग से बनी है। ये कहाँ पे हुआ है, ये सूरत गुजरात की खबर है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात बताऊं तो डॉक्टर जयशंकर और श्री अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट करा फर्स्ट एवर साई स्क्वाश कोर्ट एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। दोस्तों नेक्स्ट हमारी खबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है। तो ये क्या है कि स्टेटमेंट बाय श्री पीयूष गोयल जी एट द WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन द थीमेटिक सेशन ऑन WTO रिफॉर्म्स। अभी आप जानते हैं क्या कहा गया, इन्होंने कहा पीयूष गोयल जी ने कि भैया देखो सीधी बात है, हमसे कोई इंडिया से जबरदस्ती कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करा सकता। इसके पीछे का कारण बहुत सारे थे, कुछ बातें और सारी चीज़ों को लेके चल रही थी, सब्सिडीज को लेके, जिसके चलते इन्होंने बात ऐसे इनडायरेक्टली ये बात बोली कि भैया हम अब इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब क्या हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, हम इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हमें पे किसी का दबदबा नहीं चलेगा। उसके बाद ओवरऑल मर्केंटाइजल सर्विसेज एक्सपोर्ट 24% से बढ़ा मई 2022 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही मुझे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं आप। आपको इस बार लेक्चर का PDF सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।